HW हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा EC, EC क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेटर, और लास्ट इन्वॉल्व। तो जैसा कि हमें पता हेल्थ एंड वेलबींग, अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो स्वाभाविक है कि हम जो चाहते हैं बच्चों में लर्निंग आउटकम, बच्चों को जो इंगेज करना चाहते हैं लर्निंग में, वो जरूर आएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेटर, प्रभावी संप्रेषक जो सर बता रहे थे, बनेंगे बच्चे इंग्लिश और हिंदी, अपनी भावनाओं को, अपने बातों को वो एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये हमारा दोनों लैंग्वेज की बात कर रहा है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तीसरा जो हमारा डेवलपमेंट गोल है वो है इन्वॉल्व लर्नर, जो मैथ्स पर कर होगा, और EVS मतलब आपस आपने आसपास की चीजों से, अपने वातावरण से बच्चे जुड़ पाएंगे, अपने दैनिक जीवन से बच्चे जुड़ पाएंगे। यही हमारा लक्ष्य, थ्री डेवलपमेंटल गोल है, जो कि होलिस्टिक, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर हम बच्चे में चाहते हैं, तीन आना है। अब हम बात करते हैं इसमें गोल टू पर, जो कि बच्चों से हम चाहते हैं कि बच्चे इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने। इसमें हम करेंगे बातचीत इंग्लिश लैंग्वेज पर, सेम कंपोनेंट अभी आप लोगों ने फर्स्ट सेशन में देखा था वही इसमें है। मौखिक भाषा विकास, बहुत सारे चर्चाएं हुई थी, आप लोग से ही सारे बातें आ गई थी कि क्या है मौखिक भाषा विकास, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। इंग्लिश में भी यही बात कहता है इंग्लिश कि ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हम बच्चों से पोएम्स जो है, राइम्स जो है, वो अपने बातचीत में, राइम्स में, पोएम में लाएंगे, तो बच्चों में ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। और क्या क्या कर सकते हैं, जो बस रिकैप कर रहे हैं जो सर बताए हैं ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, बताइए। तो सर आप कैसे शांत हो गए, हिंदी में इतना इंटरक्टिव था और मैं पूछ रही हूँ तो आप लोग बता नहीं रहे, बताइएगा मैम क्या होगा ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, मौखिक भाषा विकास के लिए क्या क्या करेंगे? ड्रामा करा सकते हैं, ड्रामा कराएंगे, रोल प्ले कराएंगे, और चित्रों के माध्यम से कराएंगे, पिक्चर रीडिंग बहुत बड़ा है, पिक्चर दिखाएंगे पूरा कंप्लीट पिक्चर में, इसमें क्या हो रहा है, क्या कैरेक्टर है, इसमें ये कौन है। आप देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश में कुछ ऐसे LPs डेवलप किए गए हैं जो सिर्फ चित्रों पर बातचीत है, उसमें कोई कहानी है ऐसा नहीं है, बच्चे को दे सकते हैं कि मेक वर्ड टेकिंग द लास्ट लेटर ऑफ ए वर्ड, कोई बच्चा आकर एक वर्ड लिखेगा और उसका जो राइमिंग वर्ड्स, ये तो क्या कंपोनेंट में जब हम डील करते जाएंगे ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के, जैसे बता रहे हैं कि बातचीत के माध्यम से, कहानी में अगर हम बातचीत कर रहे हैं उसके माध्यम से, राइम्स पोयम इसके माध्यम से, स्टोरी इसके माध्यम से, ठीक है, एक्शन वर्ड्स बहुत सारा है। नेक्स्ट हमारा है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, यानी ध्वनि जागरूकता, ध्वनि जागरूकता पर हम लोगों ने बहुत बात की। तो ये बताइए इंग्लिश में क्या है?